और यूएई के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। यूएई के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। कतर से 8 भारतीयों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहा पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब कतर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के बाहर उनसे मिलने के लिए जमा थे। कतर में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग कतार में खड़े थे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोग भारत माता की जय जयकारा लगा रहे थे। हर कोई पीएम से मिलने के लिए बेकरार था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोहा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और अब्दुल रहमान के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल एक्स पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:40 पर कतर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य और दिव्य मंदिर का स्वागत भी किया और 27 एकड़ में फैले इस मंदिर का स्वागत करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मंदिर दुनिया के लिए मिसाल है। अबू धाबी की इस तस्वीर को देखकर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया तो वहां रह रहे भारतीयों का वो सपना साकार हो गया जो सालों से देख रहे थे। मुस्लिम देश में हिंदुओं का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनना किसी सपने से कम नहीं था। एक इस्लामिक शरिया वाले देश में हिंदू मंदिर के उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पल के साक्षी बने। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस मंदिर के निर्माण में यूएई की भूमिका की सराहना की। साथियों, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बना ये पहला हिंदू मंदिर बेहद भव्य और विराट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश से बाहर एक बार फिर बड़े हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। और वहीं पीएम मोदी ने यूएई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद कहा है कि अब यहां बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल भी बनने जा रहा है। मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। 40 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है।